Thank you very much. And I love exciting new technology, machines, gadgets, devices. अपने काम को ज्यादा interesting और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में मैं latest techniques ढूंढता रहता हूँ. लेकिन क्या latest technology सच में हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकती है? Artificial intelligence पर दुनिया के leading expert डॉक्टर अश्विन राम का कहना माने तो वो कहते हैं हाँ. बल्कि इनका मानना है कि आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मशीनें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे. कैलिफोर्निया से आए इनोवेटर इन्वेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विन राम से खुद ही सुन लीजिए. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर अश्विन राम. एक रोबोट की कल्पना कीजिए. आप में से कोई लोग साइंस फिक्शन फिल्मों वाली रोबोट्स की सोच रहे हैं या फिर फैक्ट्रियों वाली मशीनों की सोच रहे होंगे. कोई रोबोट्स के शरीर भी नहीं होते जैसे जो फोन या टेक्स्ट पे इंटरैक्ट करते हैं. हम इन्हें बॉट्स कहते हैं. आप ये मानेंगे कि मेरे घर में भी बॉट्स हैं. मेरे बॉट्स मेरी शॉपिंग करते हैं, घर की सफाई करते हैं, मेरी लॉन की घास काटते हैं और जल्द मेरी गाड़ी भी चलाने लगेंगे. बरसों से हम ऐसे पर्सनल बॉट्स के सपने देखते आए हैं. अब वाकई ये होने लगे हैं. ये हमें रोज की परेशानियों से फ्री करेंगे. तो अब ऐसी बॉट्स वाली दुनिया की कल्पना कीजिए. इस दुनिया में आपकी हर चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, आपसे कनेक्टेड होंगी. हम इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT कहते हैं. आपकी कार, आपका फ्रिज, टेलीविजन, घर के ताले, बत्तियों के स्विच, चाय की मशीन, ये सब चीज़ें आपकी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी. आपके फ़ोन, कैलेंडर, सोशल नेटवर्क और म्यूज़िक के साथ साथ. पर ज़िंदगी की इस तस्वीर में एक प्रॉब्लम है. सोचिए, आप इन सब डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपके फ़ोन में ऑलरेडी इतने सारे ऐप्स हैं. कैलेंडर का ऐप, शॉपिंग का ऐप, म्यूज़िक का ऐप, अब गाड़ी का ऐप, फ्रिज का ऐप, बत्तियों का ऐप, चाय बनाने का ऐप. हर ऐप का अपना अपना इंटरफेस सीखना पड़ेगा. सारे दिन सैकड़ों कंट्रोलर पे टाइप और स्वाइप करते रह जाएंगे. मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. मुझे इन सब डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना नहीं सीखना, क्यों ना ये मुझसे बात करना सीखें. जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप पे टच और स्वाइप नहीं करता, मैं सिर्फ बोल के बात करता हूँ. आप बात समझते हैं और बोल के जवाब देते हैं. क्यों ना हमारे बॉट्स भी ऐसा ही करें. ये हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बॉट्स को न सिर्फ उपयोगी बनाती है पर समझदार भी. AI से बॉट्स हमसे बात करेंगे, हमारी भाषा सीखेंगे और हमारे लिए खुद सही काम करेंगे. मैं अपनी AI अपने साथ लाया हूँ. चलिए मैं इससे आपका परिचय करा दूँ. नहीं, बेहतर है ये अपना परिचय खुद दे. अलेक्सा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम अलेक्सा एंड आई एम डिजाइंड अराउंड योर वॉइस. आई कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, न्यूज, वेदर एंड मोर. ये मेरी बात सुनती भी है और समझती भी है. देखिए, अलेक्सा, कुड यू वेक मी अप इन द मॉर्निंग? अलार्म फॉर व्हाट टाइम? हाउ अबाउट 7 o'clock? अलार्म सेट फॉर 7 AM. मैंने इसे सिर्फ जगाने को कहा, अलार्म लगाने को नहीं, पर यह समझ गई मैं क्या चाहता हूँ. हम भी एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं. थोड़ा कुछ कहते हैं, बाकी खुद समझना पड़ता है. ये AI ऐसे हजारों काम कर सकती है. म्यूजिक चाहिए तो लाखों करोड़ों गानों में से कोई भी गाना बजा देगी. कई लोग कहते हैं उनकी AI उनके दोस्त ऐसे बन गई है. ये कहानी पढ़ती है, उनको जोक्स सुनाती है, पढ़ाई लिखाई में भी काम कर सकती है. अलेक्सा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज राजेंद्र प्रसाद. ना कंप्यूटर की जरूरत, ना वेबसाइट पढ़ने की. बस सवाल पूछा और अपनी आम भाषा में जवाब मिल गया. AI से ये सब संभव होने लगा है. AI बात समझती है और समझदारी से काम लेती है. तो ये है मेरी आपके लिए नई सोच. आने वाले दिनों में एक AI की दुनिया. AI जो इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान है और भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई अमीर हो या गरीब,
शिक्षित हो या अनपढ़, ये एआई सबकी एआई है. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें एआई के बारे में एलेक्सा से मिलवाया. लेकिन एक बात, ये हर आवाज को रिएक्ट कर सकती है. यू कैन ट्रेन इट टू स्पीक टू एवरी वॉइस, आंसर बैक एंड लिसन टू द कमांड्स. सारी आवाजों को या एक्चुअली इसका ये मैजिक है कि आवाजों को ट्रेन करना ही नहीं पड़ता. ये सबकी आवाजें ऑटोमेटिकली समझ जाती हैं. आप बोलो तो ये आपकी भी समझ जाएंगे. एलेक्सा, आई लव यू. That's nice of you to say. God bless you. Great talk. Thank you very much. Thank you. Thank you.